अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये ले टिफिन, इसे भी सामान के साथ रख दे। या माँ, दिल्ली से 2 घंटे ही तो दूर है मेरठ, अब उसके लिए टिफिन बनाने की क्या जरूरत थी? जब 2 महीने माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। रख ले। बात तो सही कह रही है, बहुत मिस करूंगी आपको। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। बेटा मैं तो अब भी कहती हूँ कि इतना दूर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है। हाँ देख, वैसे भी तेरा टीचर भर्ती का रिजल्ट अब 2 महीने में आने वाला है और ये लोग तुझे तनख्वाह भी कितनी कम दे रहे हैं। बेटा माँ, माँ वो एक एनजीओ है, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करने वाली संस्था। पता है आपको, वहाँ पे अनाथ बच्चियों के पढ़ने लिखने रहने खाने पीने सबका इंतजाम किया जाता है। और वैसे भी तनख्वाह में क्या रखा है? जैसे तेरी मर्जी। मेरी टैक्सी आ गई माँ, मैं निकलती हूँ। अरे वो एनजीओ का नाम क्या बताया था तूने? महिला संरक्षण विद्यालय। कितना हुआ भैया? 250 रुपये। मैडम ये जगह शहर से 20 किलोमीटर दूर है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ। आपको कभी कोई जरूरत हो, मार्केट वगैरह जाना हो तो फोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी जरूर, आप अपना नंबर दे दीजिए। नंबर सब लेते हैं लेकिन फोन कोई नहीं करता है। मतलब? उसमें आप नंबर लिखिए। 790। आपका नाम? सुमित। थैंक यू। ओके मैडम। हाँ जी मैडम। जी वो मैं नई टीचर सुरभि सिंह। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, प्रिंसिपल साहब ने बताया था। आइए आइए, बारिश हो रही है, आइए आइए, बैग दीजिए, आइए आइए आइए। जी जी, आइए आइए। कैसे हुआ ये सब? पूनम कैसे हुआ ये? सर वो पूनम भागने की कोशिश कर रही थी तो वो गिर गई। रुचि के कहने का मतलब है मैं कंपाउंड में भाग रही थी तो गिर गई। अच्छा अभी तुम जाओ, ख्याल रखना अपना।
मैम ये वरुण सर, यहाँ पर टीचर हैं। हाय, मेरा नाम है सुरभि, नई टीचर अपॉइंट हुई हूँ। जानता हूँ मैं, बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। ओ अच्छा। गुप्ता जी। हाँ जी। आप मैडम का बैग ऊपर रखवा दीजिए। जी सर। आइए मैं आपको प्रिंसिपल सर से मिला देता हूँ। ये चौथी बार भागने की वारदात, ये हो क्या रहा है सारिका? जी सर, वो लड़कियों पे और ज्यादा नकेल कसो। कविता की मौत के बाद बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव है मुझ पर। जी जी सर। दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप भी यही रहते हैं क्या? जी नहीं, मैं शहर की तरफ रहता हूँ। ओके। वैसे यहाँ का ज्यादातर स्टाफ यहीं पर रहता है। कम इन प्लीज। आइए। अब आप भी जाइए, आपका भी क्लास का टाइम हो रहा होगा। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये सुरभि जी हैं, हमारी नई टीचर। ये हमारे प्रिंसिपल सर त्यागी जी। हेलो सर। आइए बैठिए। थैंक यू। वरुण, चाय के लिए बोल दो गुप्ता जी को। जी सर। वैसे तो सुरभि जी, आपने हमारे एनजीओ के बारे में रिसर्च तो जरूर किया होगा। जी सर। फिर भी मैं बता देता हूँ, हमारे इस एनजीओ में यतीम लड़कियों के लिए रहने खाने पीने और उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। वैसे तो आप जानती ही हैं, बाहर की दुनिया में इन यतीम बच्चियों का कोई भी सगे वाला नहीं, हर कोई उनका शोषण करने पर लगा रहता है। बहुत नेक काम कर रहे हैं सर आप। गुड्डो। अरे आओ चाचा बैठो। कविता मैडम की जगह एक नई मैडम आई है, प्रिंसिपल साहब ने तुझे चाय बनाने के लिए बोला है। नाम क्या है? सुरभि। सुरभि नाम है उसका। दिखने में कैसी? कविता मैडम से भी बढ़िया माल है, एकदम चकास। ओए हाय। सुन तो। ओ हाय हाय, तू चाय में पाउडर डालना मत भूलियो। अरे चाचा हमको मत सिखाओ यार। अरे आपकी हिंदी की क्लास सुबह होगी और इंग्लिश की क्लास शाम को होगी। सर चाय लीजिए मैडम, आपके लिए स्पेशल चाय। थैंक यू। आप चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको स्कूल की बच्चियों से और पूरे स्टाफ से मिलवाता हूँ। ठीक है सर। श्योर। मैडम कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी। चलो अभी अपनी बुक्स निकालो और चैप्टर नंबर 5 खोलो। आइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुरभि जी, ये है सारिका जी। हेलो। हेलो। अभी फिलहाल इनकी होम साइंस की क्लास चल रही है। लड़कियां अगर घर गृहस्थी काम सीखें तो भला इसमें बुराई क्या है, ऐसा हमारा मानना है। जी बिल्कुल। बच्चों आज से ये हैं आपकी नई टीचर, इनका नाम है सुरभि जी। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगी। हेलो बोलो। हेलो मैम। हेलो। कैसा लगा स्कूल आपको? जी बहुत अच्छा। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर स्टाफ भी रहता है और साथ में बच्चियां भी रहती हैं। अच्छा। चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। आइए। इसके ऊपर वाले फ्लोर पर मेस है। ओके। सर ये यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है क्या? हाँ यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ ABN का नेटवर्क चलता है। मैं गुड्डू को बोल दूंगा, वो कल आपके लिए मार्केट से एक नई सिम ले आएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। लीजिए आपका कमरा भी आ गया, आइए। आपके बगल वाला कमरा सारिका जी का है। अच्छा। और हाँ,
जब तक आपका सिम नहीं आ जाता, आपके कमरे में लैंडलाइन है, इससे आप किसी को भी फोन कर सकती हैं। अरे वाह, थैंक यू सर। प्रिंसिपल सर ने बोला आपके लिए नया सिम कार्ड लाने, उसके लिए आपके कागजात लगेंगे ना? हाँ मैं देती हूँ, मैं बुलाती हूँ तुमको, तुम जाओ और अगली बार से नॉक कर देना। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो? आपको ये बताना था कि खाना मेस में 8 बजे लग जाता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हेलो माँ, सुरभि बोल रही हूँ। बेटा ये किसका नंबर है? ये यहाँ का लैंडलाइन नंबर है। यहाँ पे ना नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है, सुनिए आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। खाना खाया तूने? अभी नहीं खाया, अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। अपना ध्यान रखना, फोन करती रहना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक। इसका फोन गिर गया था क्लासरूम में? नहीं मैडम, मेरे पास कोई फोन नहीं है। इतना क्यों घबरा रही हो? अरे क्या हुआ? अरे सुरभि जी। अरे सारिका जी, टिफिन लाइए। हाँ जी। तो काम ही नहीं कर रहा है। करेगा चाचा, करेगा। अरे कब करेगा? अरे रुको, यू ओके? सुरभि जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, लंबा सफर करके आई होगी ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई होगी। मान गया तेरे रिपोर्टर को। हाँ आज पूरी रात मैडम सोने वाली है, ना कोई हवा लगने वाली है ना कोई पता। आइए चलिए। अनीता, आज तेरा नंबर है, प्रिंसिपल सर ने स्पेशल काढ़ा बनवाया तेरे लिए, चल पी ले। मुझे नहीं पीना। और तुम लोग क्या खड़े, चल निकलो। हाँ पीना है कि प्रिंसिपल सर को बोलूं? शाबाश। आज अनीता की बात, हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं रुचि? देखा ना यहाँ से भाग के जाने का नतीजा, हम ना यहाँ किसी को कुछ बोल सकते ना ही कुछ कर सकते। पर हम कब तक ऐसे ही सहते रहेंगे पूनम, कब तक? जब तक भगवान हमारे लिए कोई मसीहा नहीं भेज देता। अनीता, अनीता सुन, अनीता
अनीता अनीता होश में आ, अनीता होश में, अनीता पुनः पानी ला, अनीता होश में आ, अरे पानी के डालना सब झूम रहे, अनीता होश में आ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है, चलो अपने अपनी जगह पे जाके सो जाओ, चलो चले अनीता, हाँ चलो चलो अरे यार पकड़ो यार, ठीक है चलो 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 इधर इधर, अरे ठीक से चलाओ यार, अरे ठीक है ठीक है, बस बस पागल, बस 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 सर आप, अरे पहले हमें देखने दो, तो देखने दे यार थोड़ा। क्या था जा गौरी गुप्ता, कुछ नहीं साहब, बस सारा काम हो गया, आपका इंतजार था। ठीक है चलिए साहब, चाय पाने के लिए बस थोड़ा सा। ए यार गुप्ता तुम कभी सुधरोगे नहीं, चलो हट। हटना मुझे देखने दे। अरे चाचा पहले जाके सुरभि जी को देखो, कहीं वह उठना गई हो। अरे छह महीने के बच्चे की तरह सो रही है, ये सब तेरे पाउडर का असर है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में गैर सरकारी संगठन कहते हैं, ये अलग अलग संगठन समाज के अलग अलग वर्गों के लिए काम करते हैं। मेरठ शहर से दूर बसा महिला संरक्षण विद्यालय भी एक एनजीओ ही था, लेकिन यहां पे कुछ और ही चल रहा था। नई अध्यापिका के तौर पर आई सुरभि को वहां का बावर्ची चाय में कुछ पाउडर मिलाकर दे रहा था, और वहीं दूसरी तरफ सारिका छुप छुप कर सुरभि का फोन सुन रही थी। आखिर क्या राज था इस एनजीओ में, और क्यों एनजीओ का सारा स्टाफ सुरभि के खिलाफ साजिश कर रहा था? आज 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 हाँ मैडम बोलिए। क्या हुआ अनीता को? अनीता को क्यों, क्या क्या हुआ? सुबह तुम और गुप्ता उसको कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे ना। कैसी बात कर रहे मैडम आप, हम तो अपने कमरे में सो रहे थे सुबह, हम तो देर से उठे, हमें तो उठाने भी गुप्ता आया था। कैसी बातें कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हम काहे झूठ बोलेंगे मैडम, आप चाहे तो अनीता से पूछ लीजिए, वो अपने क्लास में होगी। अनीता बेटा क्या हुआ था सुबह तुमको? कुछ भी तो नहीं मैम। लेकिन सुबह तुम, वो तो हमारे साथ कमरे में सो रही थी। हाँ मैम बोला था मैंने, आप फालतू में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। ये कोई तरीका है बात करने का? सॉरी मैडम। सुरभि जी किसका इंतजार कर रही हैं आप? अरे वो प्रिंसिपल सर का कुछ बात करनी थी। कोई दिक्कत? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। वो गुड्डू है ना, ये तो गुड्डू है ना,
बहुत बदतमीज लड़का है और प्रिंसिपल साहब से बात करके भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही उसे सिर पे चढ़ा रखा है। और पता नहीं मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तो इधर आ। बोली सर। क्या बदतमीजी की तूने सुरभि जी के साथ? क्या मैडम, आते ही शिकायत करने लग। फालतू की बात करें ना, एक चमाट मारूंगा मैं। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो सर से बोल के बाहर फेंकवा दूंगा। सॉरी बोल। सॉरी मैडम। सॉरी सर। चल जा। आप क्या कह रही थी? आप कुछ गड़बड़? नहीं, शायद मेरा ही वहम होगा, कोई बात नहीं। अच्छा संगीना, मैं भूल गई, यहाँ आसपास कोई मार्केट है क्या? आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो थोड़ा पर्सनल सामान चाहिए। तो एक काम करते हैं, जब मैं शाम को जाऊंगा तो आप मेरे साथ बाइक पे चलिएगा, आपको शॉपिंग करवा के कहीं छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अब आप तकलीफ क्यों लेंगे? इसमें तकलीफ की क्या बात है, और वैसे भी आपकी हेल्प करना जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? नहीं सर, वो ऐसे फॉर्मल बात कर रहे। अब मेरी क्लास का टाइम हो गया सर, मैं निकलता हूँ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो कैसा रहा आपका पहला दिन कविता जी? सर सुरभि। ओह, दिमाग से निकल गया, सुरभि जी। अच्छा चल रहा है सर। वैसे कविता जी कौन है? आपसे पहले जो हमारे यहाँ पर टीचर थी वो। बेचारे की किस्मत देखिए, रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रात के वक्त कोई गाड़ी कुचल के चली गई उन्हें। वैसे आपको कुछ काम था? नहीं सर, बस ऐसे जनरली। काम पे ध्यान नहीं है तेरा? सर हम दवाई दिए थे सुरभि को, पता नहीं इतना सुबह कैसे उठ गई, पर हमको गुप्ता को अनिता को ले जाते हुए देख लिया। इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है गलती की, समझे? वरना हम सब लोग अंदर हो जाएंगे। दवाई की खुराक बढ़ा दो। जी जी सर। तुमने कुछ सुना सुरभि ने किसी से फोन पे कोई बात की हो तो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ उसके माँ से बात हुई थी। आप फिक्र मत कीजिए, उसके हर फोन कॉल पर मेरी नजर है। ठीक है सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। पूछो सर। वो कविता के मरने के बाद यहाँ पे सब सही चल रहा था, फिर ये नए टीचर की भर्ती क्यों? सारी का ये एनजीओ है, हमें यहाँ टीचर की भर्ती दिखानी पड़ती है। कविता के हादसे के बाद से अगर हम टीचर की भर्ती नहीं करते तो हमारे पास सवालों का बहुत ज्यादा बोझ हो जाता, इसीलिए हमने आनंद फानन में टीचर की भर्ती की। तुम चिंता मत करो, तुमसे जो कहा जाए वो तुम करती रहो बस। गुप्ता जी। हाँ जी। आज किसका नंबर है? वैशाली का। माँ को फोन करना था। क्या है? मैडम आपका खाना। मैं खा के आई हूँ। हमें पता था, इसीलिए आपके लिए दूध लाया हूँ। ठीक है रख दो। पी लीजिएगा। हाँ पी लूंगी, जाओ दरवाजा लगा देना।
दिमाग से खेल रही हूँ, जो हो रहा है वो होने दो। हाँ रुचि, नहीं मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा नंबर अब कभी भी आए, लेकिन अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा हश्र होगा। जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी अभी कौन सी बड़ी हसीन जिंदगी में जी रहे हैं हम, नर्क से भी बदतर हालत में है। आज ये मैं खेल खत्म करके ही रहूंगी। दरवाजा जल्दी खोलो। अरे सर आइए आइए। अरे यार गुप्ता जी चलिए जल्दी खोलिए। तूने कोई आवाज सुनी क्या? ना हम कुछ नहीं सुने। हाँ कुछ नहीं सुने। कौन है? चली आई। आप आराम कीजिए, आपकी सुबह देखो क्लास होती है ना, आप सो जाइए जाके आराम कीजिए। हाँ मैं जा ही रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये गाड़ी गाड़ी किसकी है? ये तो दारूबाज लोग है ना, कहीं भी जगह देखते हैं वहीं पार्क कर देते हैं। आपकी चिंता कर रही है, मैं देख लूंगा ना, आप जाइए, आप आराम कीजिए, जाइए। गुड नाइट मैम। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट मैम। मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ कल तुम वहां पे छुपी क्यों हुई थी? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? जिस दिन से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम सारी लड़कियां मिलकर कुछ छुपा रही हो, लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं छुपा पाती। जब तक बताओगे नहीं तब तक हल कैसे निकलेगा? मैम इस समस्या का कोई हल नहीं है। हल हर चीज का होता है रुचि। मैम मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रही हूँ और आपको आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप देर रात को बाहर मत निकल जाकर। अरे लड़कियों आज मैं आपको किताब का कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी शायद आप सबने बचपन में कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आज इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि शायद आपको उसका अर्थ अब समझ में आ जाए। तो कहानी है मछलियों की। एक बार मछलियों का एक बड़ा सा समूह समंदर में तैरते तैरते शिकारी की एक जाल में फंस जाता है। अब सारी की सारी मछलियां एक साथ, सारी मछलियां बहुत डर जाती हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब कैसे करें, अब क्या होगा। तभी उनमें से एक मछली जाल से आजाद होने के लिए जाल के नीचे की तरफ जोर लगाती है ताकि वो आजाद हो जाए। पर बेचारी एक मछली के करने से कैसे होगा। लेकिन उस एक मछली को देख के बाकी की सारी मछलियां उसी की तरह नीचे की तरफ जोर लगाती हैं और फिर वो सारी की सारी मछलियां आजाद हो जाती हैं। तो बताइए इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यही मैडम कि एक आदमी से कुछ नहीं होता,
असली ताकत एकता में होती है। बिल्कुल सही। क्यों रुचि, आपकी सहेली सही कह रही है ना? जी मैडम। ए रुचि, आज तुम्हारा नंबर है, चल काढ़ा पी ले। ए, तुम लोग क्या खड़े हो, चलो निकलो। अरे निकलो, चलो चलो चलो, लो काढ़ा पी लो। मुझे नहीं पीना है तुम्हारा काढ़ा। तू इधर है, तू क्या नहीं पीना, पिछले बार भूल गई क्या हालत की थी तुम्हारी, चुपचाप पी ले काढ़ा, चल। खुश, आज तो रुचि का नंबर है। तू कितनी भी लोरी सुना ले, सुरभि मैडम सोती नहीं है। कल देखा था कैसे भटक रही थी आत्मा की तरह। कल तो मैंने संभाल लिया, पर अब नहीं संभाल पाऊंगा मैं, शक हो गया उसे। यार चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पाउडर काम ना करे, ये मैडम है ना दूध ही नहीं पी रही। तो सुन, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो दूध पिए, उसके बाद सोए खराटे मार के, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, देखो चाचा मैं क्या करता हूं। अरे गुड्डू, हाँ हाँ ले आओ। अरे नहीं नहीं मुझे ही दे दो, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू गुड्डू। क्या चाहिए? खोलो खोलो दरवाजा। अरे अंदर नहीं भेजा, उसकी तरफ खराब है। अरे मैडम उसकी तरफ खराब है, बात सुन, दरवाजे की पीट रही है। छोड़ो मेरा। अरे मैडम मैं बोल रही हूँ दरवाजा अभी के अभी खुलवा दो। अरे मैडम दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हैं आप? हाँ सुरभि क्या हुआ, दरवाजा क्यों पीट रही हो? सर आप, सर वो मैंने इन दोनों को रुचि को अंदर ले जाते हुए देखा और उसके साथ कोई और। हाँ रुचि तो यहीं पर है। आराम से पियो 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 पियो। हमें पता चला कि रुचि को चक्कर आ रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों को वहां भेजकर उसको यहां बुला लिया ताकि हम उसको दवाई वगैरह दे सकें। सर लेकिन दवा तो आप उसके कमरे में भी दे सकते थे ना, उसके लिए इतनी रात को यहाँ। बाकी दो और लड़कियां भी रहती हैं उस कमरे में, उनकी नींद खराब हो जाती अगर हम सब लोग वहां रहते थे। आप जाइए ना। जी सर।
रुचि कैसी हो आप? तो ठीक हूँ मैम, थैंक यू, कल आपने मेरी मदद की। रुचि अब क्या तुम मुझे बताओगे कि कल वहां क्या हो रहा था? देखो मुझे पता है कि मेरे वहां आने से पहले कुछ और चल रहा था वहां, प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैम बोलो। हमसे यार सेब व्यापार करवाया जाता है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं मैम। कविता मैडम के साथ जो हुआ इसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ है। जब मैं तुमसे इतने दिन से पूछ रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम यहाँ इनके साथ कौन मिला हुआ है और कौन नहीं ये मैं नहीं जानती। यहाँ पे कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। मैं रोकूंगी ये सब, मैं तुम सब लोगों की मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। मैम मैम एक मिनट, मेरे पास है। वरुण। अरे हुआ क्या, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? सुनिए वरुण, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड चल रहा है। लेकिन चल क्या रहा है, आप बताइए तो सही। सर तोता और मैना की जोड़ी गुफ्तगू कर रही है। करने दो, हमने जाल ऐसा बिछाया है कि फड़फड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब चल रहा है यहाँ पे? जी अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, हम पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पे फोन के नेटवर्क्स नहीं आते हैं। मैंने अपने रूम से लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो भी काट के रखा है इन लोगों ने। अब एक ही तरीका है, हमें खुद जाके पुलिस को खुद बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको बिल्कुल भी शक हुआ ना तो वो बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऑफिस में लैंडलाइन है? हाँ। हम वहां से करें। आओ चेक करो, चालू है, जल्दी करो। जग गई? अच्छा हो, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं भी इसी मंडली का सदस्य हूँ। आपके साथ जो अच्छा बर्ताव था ना, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको कभी किसी पे शक हो तो आप मेरे पास आए, और आपने वैसा ही किया। वैसा ही किया। आपको पता है कविता को भी आप ही की तरह सब कुछ पता चल गया था। मुझे उसे मारना पड़ा। अरे नहीं 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 नहीं, आप अरे रुक जाइए सुरभि जी, बात कर रहा हूं ना मैं। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आपको भी तसल्ली से फिनिश करेंगे जैसे उनको किया था। गुड्डू। हाँ?
रुचि और रुचि का फोन दोनों को मेरे पास ले गया। ए रुचि, फोन दे तेरा, चल। फोन? मेरे पास कोई फोन नहीं है। नाटक मत कर, वो तेरी सुरभि मैम पकड़ी गई, वो उसने बता दिया कि तेरे पास फोन है, चल फोन दे, चल निकाल, कहाँ छुपाया फोन, निकाल निकाल फोन, चल निकाल फोन, निकाल फोन, फोन नहीं है तेरी, तुम फोन दे रही है कि नहीं, कौन फोन, फोन दे रही है कि नहीं, तेरी तुम देखा, फिर भी मैंने कहा था ना कि एकता में बहुत शक्ति होती है, अब समय आ गया है, हमें हमारी एकता की शक्ति दिखानी होगी, वो सब जो हमने सहा है, वो जख्म जो इन सब ने हमें दिए हैं, उसका बदला लेने का समय आ गया है, हमें अब सुरभि मैम को बचाना चाहिए, क्या तुम सब मेरे साथ हो? तो चलो। अंतिम समय है, अपनी माताजी को याद कर लीजिए, बहुत तकलीफ होगी बेचारी को, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या प्रिंसिपल सर, फिर से नई टीचर ढूंढो, फिर से वही मेहनत, आप नहीं समझ रही हैं, आपसे ज्यादा तकलीफ हमें होगी। चलिए फिर, कुछ कहा सुनी हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, अलविदा कहते हैं। चल। सब हम लोग क्या सब? बैठाओ सबको अंदर। क्या कहा था मैंने? एकता में है शक्ति। एनजीओ के प्रिंसिपल रमेश त्यागी समेत वरुण गुप्ता, गुड्डू और सारिका को देह व्यापार चलाने और कविता का कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। अलग अलग एनजीओ हमारे देश में समाज हित के लिए काम करते हैं, इनका काम वाकई में सराहनीय है। इनके अच्छे कामों की खबर आप अक्सर अखबारों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे आरोपी एनजीओ की आड़ में एक संगीन जुर्म कर रहे थे। ये जुर्म उन मासूम लड़कियों के साथ हो रहा था जो यतीम थी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। हमारे देश में कई लोग अच्छाई की आड़ में आपराधिक प्रवृत्ति रखते हैं, समाज सेवा की आड़ में शोषण करते हैं। जरूरी है कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई व्यक्ति या संगठन आए तो आप अलर्ट हो जाएं और उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि मासूमों को बचाया जा सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।